मैंने आधा किलो भिंडी ली है, इसे साफ करके धोकर काट ली है। भिंडी बनाने के लिए 2 से 3 बड़े प्याज लिए, 7 से 8 कली लहसुन की, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल को मैंने गर्म होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से देखो गाइस धुआं निकल रहा है, अच्छी तरह गर्म हो गया है। सबसे पहले डालेंगे प्याज, प्याज के साथ में लहसुन डालेंगे, साथ में भी डालेंगे हल्दी 2 से 3 बड़ी। तीन से चार मिनट तक प्याज को भूनेंगे जब तक लाल नहीं हो जाते, अच्छी तरह फ्राई होने तक। बीच बीच में हम इसे हिलाएंगे। हमारे अब फ्राई हो चुके हैं, सबसे पहले डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच डाले हैं। फिर डालेंगे लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, मसाला अब हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखो हमारा खिली खिली भिंडी बनाने के लिए थोड़ी ये देखो मोटी मोटी काट रखी है। ज्यादा बारीक होगी तो आपस में चिपक जाएगी, तो भिंडी हमारी खिली खिली नहीं बनेगी। इसे हम तेज आंच पर ही पकाएंगे। काफी से खिली खिली बने, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बीच बीच में से हम हिलाते रहेंगे कि ताकि वो आपस में फ्राई के साथ लगेंगे। इसे अब 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि वो पक जाए। इसे चटपटी बनाने के लिए आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आप मेरी फ्राई में भिंडी देखिए कैसे खिली खिली है, आपस में टिकी भी नहीं हुई है। इसे आप 1 से 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, इसे लाइक और शेयर जरूर करना कि ताकि मैं आपके लिए अलग अलग रेसिपी की वीडियो बना सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।